अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं यूज़ केस क्या होता है, यूज़ केस मॉडलिंग क्या होती है, यूज़ केस डायग्राम क्या होती है। इधर बेसिक पर्पस आपको थ्योरी पढ़ाना नहीं है, यानी इसके ये रट्टे लगवाना नहीं है कि बला बला इतने इतने पैराग्राफ। बेसिक मकसद ये है कि आप इसको जान सकें, अंडरस्टैंड कर सकें ये चीज़ क्या है, ताकि इस लेवल पर आप लिख तो खुद भी सकते हैं, खुद आपको पता हो, आप अपने अंदाज में पेपर में लिख सकते हैं। जस्ट समझाना, इन लेक्चर्स में आपको समझाना मकसद है। मैं खुद भी यही करता हूँ, खुद समझ लेता हूँ चीज़ को अच्छे तरीके से और फिर एग्ज़ाम में खुद लिखता हूँ। रट्टों वाला तो ये काम नहीं है। अच्छा जी, यूज़ केस होती है, यूज़ केस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नॉट डायाग्राम। बेसिकली यूज़ केस ये होते हैं, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स? जो हम यूज़र से लेते हैं। जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो जब यूज़र से हम इंटरेक्ट करते हैं, जब भी कोई यूज़र हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो हम इसे लिख लेते हैं। अगर लिखा हुआ गैर वाज़े हो तो हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यूज़ केस जो होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उसको हम लिख लेते हैं के फलां फलां रिक्वायरमेंट है यूज़र की। लेकिन अगर समझ ना आए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर उस केस में हम ऐसे करते हैं कि हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाकर अगर लिखा हुआ मुबहम हो, गैर वाज़े हो, तो उसको समझ नहीं आती यूज़र को, तो हम उसको लिखे हुए को डायग्राम बनाते हैं, उसको दिखाते हैं कि आपका सिस्टम इस तरह वर्क करेगा। तो ये होती है उसी यूज़ केस की यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम इज़ ए ग्राफिकल डिपिक्टेशन ऑफ यूज़र पॉसिबल इंटरेक्शन विद द सिस्टम। जो जो यूज़र हमें रिक्वायरमेंट बताता है, हम उसको तस्वीर कशी करते हैं। ग्राफिकल डिपिक्टेशन ऑफ यूज़र पॉसिबल इंटरेक्शन के सिस्टम मुकम्मल होने के बाद वो किस तरह वर्क करेगा, यूज़र ये जान सके। और जो यूज़ केस मॉडलिंग होती है वो ये होता है कि यूज़ केस को लिखना किस तरह है, सेट ऑफ यानी रूल्स क्या है यूज़ केस को लिखने के, एक्ट ऑफ राइटिंग टेक्स्ट, ठीक हो गया, यानी किस तरह जो है वो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में यूज़ केस को लिखना, किस तरह मॉडल तैयार किस तरह करना है कि यूज़ केस को, यूज़ केस मॉडलिंग ये होती है। यूज़ केस डायग्राम बनाने से क्या होता है कि हमारे पास यूज़र और प्रोग्रामर आपस में अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम मुकम्मल होने के बाद किस तरह काम करेगा। और फिर हमें पहले से ही पता चल जाता है, और अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो हम उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि जब बिल्कुल मुकम्मल हो जाए तो फिर हमें ख्याल आए ये चीज़ तो तब्दील करनी थी, फिर वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो ये सिंपल से कंसेप्ट थे यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस मॉडलिंग। ये चीज़ें शॉर्ट आंसर में भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन ये बेसिक है और ये बहुत ज़रूरी है एडवांस की तरफ जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।